कल्पनादुबे.com। रामचरितमानस वह काव्य है जिसमें भगवान राम के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया गया है, उनके जन्म से लेकर के उनके राम राज्य तक का उसमें वर्णन किया गया है। रामचरितमानस 7 खंडों में विभाजित किया गया है। बाल कांड इसका सबसे बड़ा कांड है, जिसमें भगवान राम का बचपन से लेकर के जन्म से लेकर के यहाँ तक कहिए कि जन्म की पूर्व की कथाओं से लेकर के और उनके विवाह तक का उसमें वर्णन किया गया है। बालकांड के बाद अयोध्या कांड में भगवान राम के वनवास का चित्रण किया है। उनके पिता ने कैकेयी अपनी जो दूसरी पत्नी थी उनको 2 वरदान देने के लिए कहा था और उन 2 वरदानों के तहत कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी मांगी थी, इसलिए भगवान राम को अयोध्या छोड़कर वन में जाना पड़ा। भगवान राम के साथ वे सिर्फ अकेले ही नहीं गए बल्कि उनके साथ उनकी पत्नी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए। तो अयोध्या कांड में भगवान राम के वनवास का चित्रण किया गया है। फिर भगवान राम जब अयोध्या से जाते हैं तो सारे नगरवासी यहाँ तक कि पशु पक्षी भी बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो राम अपने पिता की आज्ञा मानकर वनवास चले ही जाते हैं। और जब वो वन में जाते हैं तो वहाँ पर विभिन्न साधुओं से, विभिन्न आश्रमों में उनका विभिन्न गुरुओं से और साधु संतों से उनकी भेंट होती है। ये अरण्यकांड कह रहा है। अरण्यकांड में सभी आश्रमों में जहाँ जहाँ भगवान राम गए और जिन जिन लोगों से मिले, क्या शिक्षा वहाँ से ग्रहण की, इस सब का चित्रण है। नवदा भक्ति का भी इसमें सुंदर चित्रण मिलता है। हमारे यहाँ नवदा भक्ति का प्रचलन है। 9 प्रकार से हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उसका चित्रण है। शबरी जो भगवान को अपने जूठे बेर खिलाती है और इतना प्रेम करती है उनसे कि चक चक कर अपने जूठे बेर खिला देती है। भगवान राम उन बेरों को प्रेम के कारण खाते हैं, लेकिन लक्ष्मण उन्हें छुपा लेते हैं और कहते हैं कि यही जो बेर थे जो पीछे उन्होंने फेंक दिए, यही बाद में संजीवनी बूटी के रूप में लक्ष्मण ने ग्रहण किए। तो प्रेम के महत्व को ईश्वर ने सदैव समझा। भगवान राम ने हमेशा प्रेम को महत्व दिया, इसीलिए उन्होंने शबरी का उद्धार किया। परम लोक को शबरी गई। किष्किंधा कांड, सीता जी का हरण हो जाता है और फिर आगे वो किष्किंधा कांड का चित्रण है, जहाँ पर वो सुग्रीव और हनुमान जी से भेंट होती है, बाली का वध होता है। ये सभी सुग्रीव और बाली का, अंगद का, इन सभी का चित्रण किया गया है जिन्होंने भगवान राम की सहायता की। जामवंत के रूप में एक बहुत ही सहायक प्राप्त हुए उन्हें और सुग्रीव की सहायता से सीता जी का पता हनुमान जी लगाते हैं। तो इस तरीके से किष्किंधा कांड में इसका चित्रण किया गया है। फिर आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में सीता जी का पता लगाना और लंका दहन का चित्रण किया गया है। हनुमान जी ने वहाँ एक दूत के रूप में वो गए लंका में। वहाँ पर एक दूत का जो कर्तव्य होता है वो उन्हें पूरी तरह निभाया। न सिर्फ सीता जी का पता लगाया बल्कि रावण की शक्ति को भी उन्होंने जांचा परखा। कल्पनादुबे.com इंटरनेट पे हिंदी साहित्य और व्याकरण सीखने का आसान उपाय है।